नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो आपको वीडियो मिलेगी, ये वीडियो है ठाकुर जी की पोशाक की। तो इनके लिए जो बसंत पंचमी है उसके लिए गिफ्ट आए हैं, इनके लिए पोशाक आई, मेरे लिए भी आई है। तो ये जो पोशाक अभी आपको देखने को मिलेगी, ये भेजी है मिसिज रूपा ने नोएडा से। तो वो पर्सनली भेजी तो नहीं है उन्होंने, पर्सनली वो खुद देने आई थी मेरे घर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनकी जो पोशाक है वो भी बहुत सुंदर है। जो मेरे लिए उन्होंने भेजी है वो भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल मैचिंग किया है ठाकुर जी की, राधा रानी की, भगवान श्री जगन्नाथ जी की और लड्डू गोपाल जी की। तो सभी की ड्रेस सेम सेम है बसंत पंचमी पर। अब ये देखो कि वो पहनाई कब जाती है, क्योंकि मेरी इच्छा से ये नहीं होता। जो पोशाक ठाकुर जी पहनते हैं वो अपनी इच्छा से ही पहनते हैं कि वो पोशाक उन्होंने कब पहननी है। तो चलिए दिखाती हूँ कि वो पोशाक कौन सी है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या भेजा है। उन्होंने सभी की पोशाक भेजी है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने जो पोशाकें भेजी, देखने में भी मुझे बहुत सुंदर लगी है, पहनाई हुई भी अच्छी ही लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। तो भेजी तो नहीं थी, खैर वो खुद लेकर आई थी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बाल गोपाल को ही ले लिया जाए, उन्हीं की पोशाक दिखाती हूँ। ये है लड्डू गोपाल जी की पोशाक, और ये है जो छोटे वाले राधा कृष्ण है उनकी पोशाक है। मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही है, थोड़ी सी क्या, ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन चलो फिर भी पहनेंगे तो सही, क्योंकि उन्होंने बहुत मन से भेजी है ये। और ये है माता रानी की, ये देखिए ये दुपट्टा, ये भी बहुत सुंदर है। ये है चोली, और ये है भगवान श्री जगन्नाथ के, सुभद्रा के और बलराम जी के। तो ये मुझे कुछ छोटे लग रहे हैं। और ये है हमारे राधा रानी और कान्हा जी की, ये है कान्हा जी की धोती, ये चोली, ये है पटका, और ये राधा रानी की ओढ़नी यानी कि उनका दुपट्टा, ये भी बहुत खूबसूरत है, आप देख ही रहे हैं। और ये है चोली, और ये है लहंगा, और ये है पगड़ी के लिए कपड़ा, जो मैं उनकी पगड़ी टक करती हूँ। और अब बारी आ जाती है मेरी ड्रेस की। तो ये स्कर्ट उन्होंने भेजी है मेरे लिए, भेजी क्या, वो खुद ही लेकर आई थी। उन्होंने बोला कि दीदी जब आप ये पोशाक उन्हें पहनाओ तो खुद भी यही ड्रेस पहनना। और ये है इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा, और ये है ब्लाउज का पीस। उन्होंने बिंदी का पैकेट भी भेजा, और उन्होंने मेहंदी भी भेजी। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे लिए भी ये ड्रेस आएगी, लेकिन वो मेरी ड्रेस देकर गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनका एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी राधा रानी, ठाकुर जी, कान्हा जी ये पोशाक पहनेंगे, कोशिश करूँगी मैं भी यही जरूर पहनूँ, और आपको वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। और जो ड्रेस छोटी है बड़ी है ये तो पहनाने के बाद ही पता चलेगा कि वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, हाँ लेकिन वो पहनेंगे ज़रूर। तो ये तो उन्हीं की इच्छा होती है कि वो कब पहनेंगे कब नहीं पहनेंगे, हाँ ये श्योरिटी होती है कि वो पहनेंगे जरूर, क्योंकि जो भी बड़े भाव से उनको पोशाक देता है वो पहनते जरूर हैं। तो जिन्होंने ये पोशाक भेजी है तो वो भी एक यूट्यूबर ही हैं, वो मेरे घर आकर दे के गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वो मेरे घर आई, मुझे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे उनकी भेजी हुई पोशाक और जो मेरी ड्रेस उन्होंने भेजी मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी। तो कोशिश करूँगी ज़रूर पहनूँ। तो उन्होंने सभी की एक जैसी पोशाक बनाकर भेजी है। तो जब मंदिर में मैं उन सबको, सभी देवी देवताओं को जिनकी भी उन्होंने पोशाक भेजी है, जब मैं उन्हें पहनाऊंगी तो वाकई वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो ये थी बसंत पंचमी की पोशाक जो मिसिज रूपा मेरे घर आकर दे के गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई।
तो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।